सॉरी सर, मैं अभी ये काम कर लेती हूँ। यात्रियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब होने जा रहा है बहुत बड़ा धमाका। जब ये कल का लौंडा मैनेजिंग डायरेक्टर का बनेगा टोपा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो ये अग्रवाल खानदान केनई एमडी का पहला कलेक्शन है जो मैं अपने परिवार और आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। वैसे मैंने इस कलेक्शन को एक स्पेशल नाम दिया है, आप सब जानना चाहेंगे क्या? Are you guys ready? Ready? Yes. कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Are you guys ready? Yes. जितना चाहे उड़ लो साले साहब, हमने भी तुम्हारे पर काटने का इंतजाम कर रखा है। गहने तो यहाँ है ही नहीं। 12 बजे लखनऊ में मीटिंग है मेरी क्लाइंट के साथ। ये तो कोटेशंस अच्छे से रेडी करके भेज दीजिएगा आज। जी सर, मैं भेज दूंगी। यश। जी? यश बोल सकती हो तुम मुझे? ओके, यश मैं भेज दूंगी। एक्सक्यूज मी। दूर रहिए आप मुझसे। श्रुति, आवाज अपनी धीमी रखो, तमाशा करने की क्या जरूरत है? या तो सबके सामने आप मुझे और हमारे रिश्ते को अपना लीजिए, या फिर ये सब भूल जाइए। तुम मेरी बात को समझो। मुझे आपसे बात नहीं करनी। हाथ हाथ छोड़िए मेरा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हाथ छोड़ो उसका। बड़ी बेखुदा किस्म के इंसान हो तुम। इतना कुछ हो गया उसके बावजूद भी इस बेचारी लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहे। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरह इस्तेमाल कर रहा है ये तुम्हारा? मैं साहिल को भी बता ही दूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं श्रुति, ये गलत है। वेदिका जी, साहिल भाई को कुछ मत बताइए। मैं जा रही हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी। आप प्लीज, आप साहिल भाई को कुछ। तुम हमारे मामले में बिल्कुल चुप। तुम जैसे आदमियों ने मर्दों को बदनाम कर दिया है। अरे कलंक हो तुम समाज पर। तुम्हारा असली चेहरा तो सबके सामने आ ही जाना चाहिए। जलील करना चाहिए तुम्हें सबके सामने। पर मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि बेचारी लड़की भी बदनाम हो जाएगी और उसके साथ साथ उसका परिवार।